गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के माध्यम से ये देख रहे थे कि किस प्रकार से एटॉमिक ऑर्बिटल आकर के एक ही सीधी रेखा में आकर के ओवरलैपिंग करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। अब देखो कि मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल्स का इफेक्टिव कॉम्बिनेशन हो सके उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल करना ज़रूरी होता है। तो वो क्या कंडीशंस हैं? वो फर्स्ट कंडीशन है कि कंबाइन करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स लगभग समान ऊर्जा के होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये बात हाइब्रिडाइजेशन में भी लागू थी, ये चीज़ हर जगह लागू होती है कि जहाँ भी दो चीज़ें मिल रही हैं वो लगभग समान एनर्जी लेवल पर होनी चाहिए। और ये खास तौर से तब इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जब हम दो अलग अलग एटम्स के बीच में ओवरलैपिंग को कंसीडर कर रहे हों, क्योंकि यदि सेम ही एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो वो सिमिलर एनर्जी पे होंगे ही। तो हम अलग अलग एटम्स जब लेते हैं तो उनका सिमिलर एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इसकी कंडीशन आती है, ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मैक्सिमम ओवरलैप करने चाहिए, ठीक है ना। ऑर्बिटल्स की एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग जो होनी चाहिए वो मैक्सिमम होनी चाहिए। और ये कब पॉसिबल होगा? ये तब पॉसिबल होगा जब दोनों एटम एक दूसरे के पास पास हों, तो उनके ऑर्बिटल्स भी पास पास होंगे और दोनों एटम के जो गोलीय वितरण फलन हैं उस दूरी पर समान हों, तभी ये सिचुएशन आएगी कि मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो सके। थर्ड पॉइंट आता है कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को बनाने के लिए दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स की सिमेट्री या तो अनचेंज्ड रहे, या यदि उनको अंतर इंटर न्यूक्लियर लाइन से घुमा दिया जाएगा तो वो फिर चेंज हो जाएगी। या तो अनचेंज होनी चाहिए और यदि घुमाया जाता है तो उनको इंटर न्यूक्लियर लाइन से घुमाना पड़ेगा। अब देखो, जिस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल की 4 क्वांटम नंबर होती हैं और उन पर पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लागू होता है, उसी तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की भी 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, ठीक है, और उन पर भी पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट होता है। इनमें देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी मुख्य क्वांटम संख्या n, वे एज्यूमुथल क्वांटम संख्या यानी दिगंशी क्वांटम संख्या l जो होती है वो तो बिल्कुल वैसी ही होती हैं जैसी एटॉमिक ऑर्बिटल की होती हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को यहाँ पर एक नई क्वांटम नंबर लैम्डा के द्वारा रिप्लेस किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए लैम्डा किसके बराबर होगी? जब वहाँ पर m होता है, m इज इक्वल टू माइनस एल से ज़ीरो और प्लस एल तक होता है, ये आपको मालूम ही है। तो अभी ये यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस एल, इसकी वैल्यू वही होंगी, माइनस एल, फिर माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, ज़ीरो, और ये देखो प्लस टू, ये यानी माइनस एल से ज़ीरो और प्लस एल तक होता है। अब यदि लैम्डा बराबर ज़ीरो है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऑर्बिटल अपने एक्सिस के साथ सिमेट्रिक है, और ऐसा ऑर्बिटल क्या कहलाता है? सिग्मा ऑर्बिटल कहलाता है। और यदि लैम्डा का मान प्लस माइनस वन हो तो इसको पाई ऑर्बिटल कहा जाता है। यदि लैम्डा का मान प्लस माइनस वन हो तो इसको क्या कहेंगे? इसको पाई ऑर्बिटल कहेंगे। लैम्डा का मान प्लस माइनस टू होने की स्थिति में वो डेल्टा ऑर्बिटल कहलाता है, ठीक है। इनकी जो स्पिन क्वांटम नंबर होती है वो एटॉमिक ऑर्बिटल वाली ही होती है, यानी कि प्लस माइनस हाफ होती है, ठीक है। ये थे इनके कंपल्सरीली जो कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी चाहिए तब इनमें इफ़ेक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो पाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो कि कॉन्फ़िगरेशन है किसका, सिंपल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का।
तो अपन अब देखने जा रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्यू सिंपल डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स या उनके आयंस का। अब देखो, ये अपने को पढ़ने के लिए पहले हमको थोड़ा सा सिमेट्रिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि क्या उनकी सिमेट्री है, किस तरह से वो ओवरलैपिंग हो सकती है, ये अपन को देखना पड़ेगा। अब देखो, एटम के न्यूक्लियस से दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में यदि जाते हैं तो समान डिस्टेंस पर, समान दूरी पर किसी ऑर्बिटल में जो वेव फंक्शन होता है उसका साइन हमेशा सेम होता है, वेव फंक्शन का साइन हमेशा सेम होता है, तो इसको जीरेट सिमेट्री कहते हैं। या तो ये प्लस हो सकता है या ये माइनस हो सकता है, जैसा कि आपको देखो यहाँ दिखाया है एस ऑर्बिटल में, ठीक है। ऐसे ही डी ऑर्बिटल में, ये देखो न्यूक्लियस से हम ऑपोजिट डायरेक्शन में चाहे अपवर्ड्स जाएं चाहे साइड में जाएं, दोनों के जो वेव फंक्शन है प्लस प्लस हैं, ऊपर नीचे, साइड में है माइनस माइनस, तो दोनों ही समान हैं, तो इस तरह की सिमेट्री को क्या कहते हैं, जीरेट सिमेट्री कहते हैं। एस ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल में ये पाई जाती है। इसके कॉन्ट्रेरी यदि हम ऐसे जाते हैं कि न्यूक्लियस से विपरीत दिशा में जाने पर दूरी समान दूरी पर जो इनके ऑर्बिटल हैं उनमें वेव फंक्शन का मान डिफरेंट हो तो उसको अनजीरेट सिमेट्री कहते हैं। इसको म्यू सिमेट्री के द्वारा प्रेजेंट करते हैं। ये पी ऑर्बिटल्स में पाई जाती है। देखो ये पी ऑर्बिटल है, इसके न्यूक्लियस से समान दूरी पर दोनों ऑर्बिटल्स में अलग अलग साइन बने हुए हैं, इधर प्लस है और इधर माइनस है, तो ये क्या कहलाता है, अनजीरेट सिमेट्री कहलाती है। अब देखो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं ना, इनमें सिग्मा और पाई स्टार, सिग्मा और पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं वो तो होते हैं जी सिमेट्री के, यानी जीरेट सिमेट्री के, जहाँ पर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में वेव फंक्शन के साइन समान होते हैं, जबकि सिग्मा स्टार और पाई ये कैसे होते हैं, ये अनजीरेट सिमेट्री के होते हैं। तो अब अपन एक एक ओवरलैपिंग को लेकर के देखते हैं कि उसमें किस तरह से बॉन्ड बनते हैं। अब देखो जब SS ओवरलैपिंग होती है इस प्रकार से, तो SS ओवरलैपिंग में होने से हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, क्योंकि ये किसी भी डायरेक्शन से आकर ओवरलैपिंग करें इनके अंदर सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। इसका कारण है कि इनकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, इनमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती। अब यदि एस और पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है तो भी एक्सिस पर हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, ठीक है ना। वो कब होगा, लेकिन जब एक्सिस पर एक एस ऑर्बिटल के साथ पी जेड ऑर्बिटल ओवरलैप करे तो, जब एस के साथ में पी वाई या पी जेड ऑर्बिटल, पी वाई या पी एक्स ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो कोई भी ओवरलैपिंग के चांसेस नहीं होते। ये देखिए यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं हो रही, तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि बिना ओवरलैपिंग के बॉन्ड बनने का काम ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही, इसलिए कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा। यहाँ कौन सा बॉन्ड बन रहा था, जब पी जेड ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा था तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा था, और एस एस की ओवरलैपिंग से तो सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। पी एक्स ऑर्बिटल के बीच में कभी भी ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होती, ठीक है, ये अपन देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखो हम डायग्राम में आपको दिखा रहे हैं, ये देखो यहाँ पर इसमें कहीं भी पी एक्स हो या पी वाई हो, इनमें ओवरलैपिंग की पॉसिबिलिटी नहीं होती। अब नेक्स्ट आता है यदि पी पी ओवरलैपिंग हो तो क्या होगा, यदि पी पी ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा और पाई दोनों प्रकार के बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं, दोनों तरह के बंध बन सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड पी जेड ओवरलैपिंग से बनेगा,
और पाई बॉन्ड पीएक्स पीएक्स ओवरलैपिंग या पीवाई पीवाई ओवरलैपिंग से बनेगा। देखो अभी अपन पहले देखते हैं कि जब पीजेड और पीजेड ऑर्बिटल होते हैं तो इस तरह से ऑपोजिट साइंस, ये एक लोब का ये दूसरे लोब का, इसी तरह से यहाँ पर इनमें ओवरलैपिंग हो गई और ये क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। ये कब हुआ, जब एक्सिस के ऊपर पीजेड पीजेड ऑर्बिटल्स ने ओवरलैपिंग की। तो नेक्स्ट आता है जब पीएक्स पीएक्स ओवरलैपिंग होगी या ये पीवाई पीवाई ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, पहले हम पीएक्स पीएक्स की देखते हैं, पीएक्स पीएक्स में और पीवाई पीवाई में, इन दोनों की ओवरलैपिंग से देखो ओवरलैपिंग हो रही है, इसमें एक्सिस के आधा बॉन्ड ऊपर बन रहा है आधा बॉन्ड नीचे बन रहा है, तो ये कोलेटरल ओवरलैपिंग होने से इसमें पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। पाई बॉन्ड आधा एक्सिस के ऊपर बन रहा है आधा एक्सिस के नीचे बन रहा है। अब देखो जब पी जेड ऑर्बिटल के साथ पी एक्स या पी वाई ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो तो क्या होगा, पी एक्स ऑर्बिटल के साथ पी वाई या पी जेड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होने से यहाँ पर कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब देखो जैसे हमने पी एस और पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग देखी, अभी हम देखेंगे पी और डी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग। अब देखो पी और डी ऑर्बिटल की जब ओवरलैपिंग होती है तो पाई बॉन्ड बनता है, और जब डी और डी ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो इसको अपन पहले पी और डी बॉन्ड के द्वारा पाई बंद का बनना देखते हैं कि ये पी ऑर्बिटल है पी एक्सिस पर और ये डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर इस तरह की ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। और यहाँ पर देखिए डी डी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है, ये हैं दो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल, इनकी लोब्स में इस प्रकार से ओवरलैपिंग के द्वारा डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। ये हमको पढ़ना इसलिए ज़रूरी था ताकि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल्स और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें, तो हमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल्स को डिस्कस करेंगे और होमोडाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स को पढ़ेंगे। थैंक यू।